टुडे आई हैव नथिंग टू डू। हर किसी की लाइफ में ऐसे डेज आते हैं जब आपके पास कुछ भी करने को नहीं होता, और मेरा भी कोई पिछले दो दिनों से यही हाल है। मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही हूँ, सो मैंने सोचा सुबह सवेरे पहले अपने यूनिवर्सिटी का जो भी पेंडिंग काम है वो सारा हम निपटा लेते हैं, देन इंशाल्लाह वील गो आउट, ताकि हमारा माइंड थोड़ा ही फ्रेश हो और जो घर बैठे बैठे हमें फटीक हो रहा है उससे भी रिलीफ मिले। अच्छा, अभी कोई दो दिन पहले मैं अपनी स्किन केयर के लिए कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स लेकर आई थी, जिनको अभी तक मैंने खोल के ट्राई तक नहीं किया है, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई दिस विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जी वो प्रोडक्ट है जो कि हर लड़की के पास आई थिंक सो के होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्लीट फेशियल किट हो, अगर आपके पास ये तीन चार चीज़ें मौजूद है तो आप अपनी स्किन केयर अच्छे से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, मेरे पास इसका बिल भी था, सो आई कैन टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल विद प्राइस। तो जल्दी से आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली है और आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। सबसे पहले तो फेस वॉश होना चाहिए आपके पास एक अच्छा। मैंने लिया है यहाँ पे डॉक्टर राशिल का नीम एलोवेरा वाइटनिंग फेस वॉश है ये। इसको मैंने यूज़ नहीं किया, यूज़ करूँगी, इसके बाद इसका कंप्लीट रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, फेस वॉश की जो प्राइस है ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है, बट मैंने इसे लिया है 499 रुपीज़ का, विच इज़ आई थिंक सो रीज़नेबल है, सही प्राइस है इसकी। इसके बाद जी एक सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हर लड़की के पास होनी चाहिए, अगर तो आपकी ड्राई स्किन है तो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अब डर्माशाइन ही एक ऐसी कंपनी थी जो कि थोड़ी वेल नोन कंपनी थी, तो मैंने डर्माशाइन के ही प्रोडक्ट्स लिए। ये क्लेंजर है और ये आपके पास मस्ट होना चाहिए। आफ्टर दैट स्क्रब आता है, इफ़ यू डोंट हैव एक्नी प्रोन स्किन, सेंसिटिव स्किन, तो आपके पास स्क्रब का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रब की जो प्राइस है वो 395 रुपीज़ है। पहले इनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब इनके प्राइजेस में काफ़ी फ़र्क आया है। देर इज़ वन प्रोडक्ट लेफ्ट बिहाइंड, वो है स्किन पॉलिश। अब स्किन पॉलिश भी आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन ये जो स्किन पॉलिश है ये मैं हमेशा नहीं इस्तेमाल करती हूँ, इसको मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, दो हफ्तों में एक बार इस्तेमाल कर लिया। डेली बेसिस पे आप इसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। और इसकी जो प्राइस है वो भी सेम ही है, 385 है इसकी। इन सब की प्राइस ऑलमोस्टली एक जैसी है। ये प्रोडक्ट स्किन केयर के लिए होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ, एंड व्हाट आई थिंक इज़ कि हर लड़की के पास ये होनी चाहिए। यू डोंट नीड अ फुल फेशियल किट, इफ़ यू हैव दिस प्रोडक्ट आई थिंक इट्स इनफ फॉर योर स्किन केयर। ये सारी ही जो प्रोडक्ट है इंक्लूडिंग फेस वॉश आपको 1674 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएंगी। फेस का तो जी हम ख्याल रख लेते हैं, लेकिन हम अपने पाँव का ख्याल नहीं रख पाते। ऑनेस्टली सेइंग मेरे पाँव का बहुत बुरा हाल है, आई कांट इवन शो यू। सो आई थॉट कि हम अपने पाँव का भी थोड़ा ख्याल रखें। सो पानी शानी गर्म करके इसका मिक्सचर इसमें डाल के मैंने 15-20 मिनट्स अपने पाँव को इसके अंदर ही रखा, बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम था एंड आई नीड टू गो आउट। सो ये मिक्सचर मैंने किस तरह से बनाया ये मैं अपनी पहले बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल यू कि किस तरह से बनाना है, अगर तो आप मेरी सब्सक्राइबर है, लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो आप मेरी फूड केयर वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जी हम लोग बाहर गए। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता करने को तो आपको कुछ ना कुछ करके अपना दिन बनाना ही होता है, तो हम लोग जी बाहर गए। हमने वहाँ से शेक्स लिए और इन्जॉय किया और फिर हम वापस आ गए। अच्छा जी, उसके सेकंड डे की फुटेज है। रात का टाइम था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी स्किन पे टैनिंग हुई पड़ी है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए कोई होम रेमेडी अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे। तो यहाँ मैंने जो होम रेमेडी बनाई है ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है, हल्दी है इसमें, बेसन है और मिल्क है। ये बहुत ही अच्छी है टैनिंग के लिए, जो धूप से हमारी स्किन पे डैमेज होता है उसके लिए स्पेशली बहुत अच्छी है। यह आपके स्किन की एक्सफोलिएशन भी करता है, स्पेशली मैं इसे यूज़ करना चाहती थी अपने नेक पे, सो मैंने सोचा फेस पे भी इसे अप्लाई कर लेती हूँ। हल्दी की क्वांटिटी हमेशा थोड़ी कम रखा करें ताकि
बाद में आपको जो है फील ना हो कि आपने अपने फेस पे हल्दी लगाई है। इसे यूज़ करना काफ़ी इजी है। आप इसे अपनी हथेली पे लें, ब्रश से लगाएं द वे यू लाइक, लेकिन यू हैव टू रब इट ऑन योर फेस। सो आई थिंक हाथ से ही करें तो बेहतर होगा। इसे पहले आपने अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना है, अपने नेक पे अच्छे से मसाज करना है। पहले अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद इसे अपने फेस पे अच्छे से मसाज करें। सो नेक पे भी मसाज करें और इसे 15-20 मिनट्स इसे रहने दें, उसके बाद वॉश कर लें। लास्ट में कोई सा भी मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर लें एंड यू आर डन। होप सो यू लाइक माई कॉन्टेंट। कीप सपोर्टिंग, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। खुदा हाफिज़।